हाँ जी नमस्कार, राधे राधे, हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज बात करेंगे इस वीडियो पे मकर लग्न मकर राशि वालों के लिए अप्रैल 2023 माह कैसा जाएगा। आप लोगों में से बहुत से लोगों को राशि पता होती है लेकिन लगन पता नहीं होती। तो राशि और लगन में फ़र्क ये है कि जब आप पैदा हो रहे होते हैं तो चंद्रमा जिस नक्षत्र पर चलता है उस नक्षत्र के अनुसार आपकी राशि बनती है, और जब आप पैदा हो रहे हों तो पूर्वी क्षितिज पे जो राशि उदित होती है उसको लगन कहते हैं। इतना सा फ़र्क है। लगन का रोल आपके लाइफ में ज़्यादा होता है राशि के बनस्पत, लेकिन राशि बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि राशि के अनुसार ही आपके महादशा अंतरदशा डिसाइड की जाती है, कौन सी महादशा और कौन सी अंतरदशा में चलेंगे। और महादशा अंतरदशा ही तो व्यक्ति को महान बनाती है। बकाया कुंडली में तो ग्रह सबके होते हैं, इसलिए आप जो प्रोडक्शन देख रहे हैं दोनों पे देख सकते हैं, लगन पे भी राशि पे भी। अप्रैल माह कैसा जाएगा, चर्चा आरंभ करें उससे पहले विनम्र अनुरोध है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। ज्योतिष मंजरी नक्षत्रवाणी बात चैनल है जो ज्योतिष के मूलभूत सिद्धांतों पर अर्थात नक्षत्रों पर बात करता है। तो आप उत्तराषाढ़ा सूर्य की अंतिम शक्ति लेके चल रहे हैं, चंद्रमा का संपर्क शक्ति लेके चल रहे हैं, और धनिष्ठा की ख्याति प्राप्ति शक्ति लेके चल रहे हैं। आपका जन्म ही हुआ है कर्म करने के लिए। काल पुरुष की कुंडली में देखें तो कर्म भाव का कारकत्व तो लेके आप चलते हैं, तो पैदा हुए हैं कर्म करने के लिए, इसलिए कंटिन्यू आपको काम करते रहना है। काम से पीछे नहीं हट सकते आप, काम से आप पीछे भाग ही नहीं सकते, आपके डेस्टिनी में लिखा ही नहीं है। इसलिए उत्तिष्ठ जागृत, उठिए जागिए। आपके शनिदेव द्वितीय भाव में प्रवेश कर चुके हैं और ये राहु के सत्विशा नक्षत्र में चल रहे हैं। अब आपको गति पकड़ना है। देखिए, एक प्रश्न आपके मन में हो सकता है, द्वितीय भाव तो मारक भाव है लेकिन ज्योतिष नियमावली से चलता है, सिद्धांत से चलता है, और इसको आप व्यक्तिगत जीवन में भी लगाएंगे तो सही पाएंगे। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि द्वितीयेश और द्वादशेश सदैव अपनी दूसरी राशि का ही फल देंगे, अर्थात शनि यहाँ पर लगन का ही फल देंगे, तो आपकी कुंडली में शशि योग जैसा ही फल मिलेगा, द्वितीय भाव का फल नहीं मिलेगा। इसलिए निश्चिंत होकर काम करिए, स्वास्थ्य आपका बेहतर रहेगा। यदि आपकी कुंडली में राहु अच्छे हैं तो 2023 श्रेष्ठ वर्ष होगा आपके लिए। राहु कमजोर हैं तो श्रेष्ठता में कमी आ जाएगी। तो ध्यान दीजिए, राहु महाराज कहाँ के कारकत्व को लेकर बैठे हुए हैं। ऐसे में आपको धनात्मक दृष्टिकोण से बहुत लाभ हो रहा है। मेष के नीचे से पैसे कमाते हुए दिखाई दे रहे हैं, मेष के ऊपर से नहीं, मेष के नीचे से भी पैसे कमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे अवसर मिलेंगे कि आप पैसे पर्याप्त मात्रा में कमा सकते हैं। तो धनात्मक दृष्टिकोण से बेहतर समय है। आपके कुंडली में गुरु महाराज अस्त हो रहे हैं। किससे अस्त हो रहे हैं, तो गुरु महाराज अस्त हो रहे हैं अष्टमेश सूर्य नारायण से। तृतीयेश और अष्टमेश का जो संबंध है आयु की वृद्धि करने वाला है, आयु को बढ़ाने वाला है, व्यय को घटाने वाला है। तो जो गुरु का अस्त होना है आपके लिए शुभ परिणाम देने वाला है। गुरु का अस्त हो जाना भी आपके लिए शुभ परिणाम देगा, क्योंकि गुरु की मूल त्रिकोण राशि पे गुरु ज़्यादा फोकस करते हैं, तो बेवजह के खर्च आपके कम हो जाएंगे। किंतु बंधु बांधुओं से बना के रखिएगा, मित्रों से बना के रखिएगा, भाई मतलब भुजा। जितने भी महान लोग हुए हैं इसीलिए महान हुए हैं क्योंकि उनके भाई साथ थे। रावण हारा क्यों, विभीषण साथ नहीं थे। रामचंद्र जी ने विजय प्राप्त किया क्यों, लक्ष्मण जी साथ थे। तो भाई ही महान बनाते हैं। युधिष्ठिर को कौन महान बनाया, अर्जुन और भीम ने बनाया। तो भाइयों का साथ कभी मत छोड़िएगा। परिस्थितियां आपकी डेवलप कर रही हैं तो आपको लग सकता है मुझे ज़रूरत नहीं है, नहीं, भाई की हरदम ज़रूरत है आपको, तो बनाए रखिएगा, संबंध खराब ना होने पाए। मंगल महाराज आपके कुंडली में सुख के स्वामी हैं और मंगल महाराज आपके कुंडली में आय के स्वामी है, लाभ के स्वामी है। इस समय लाभ और सुख में कमी आ रही है। देखिए, आपके मंगल महाराज गोचर कर रहे हैं इस समय वर्तमान में राहु के नक्षत्र में। राहु के नक्षत्र में जब कोई ग्रह गोचर करता है तो राहु के नक्षत्र में गोचर करने से स्थिति ये बनती है महाराज की चीज़ें रुक जाती हैं। हार्ट का कारकत्व लेके मंगल चल रहा है, घर में शुभ कार्यों का कारकत्व लेके मंगल चल रहा है। राहु के आर्द्रा नक्षत्र में जाने से फंस जाएगा, तो हार्ट में जो पंपिंग है थोड़ी सी प्रेशर में आ रही है। घर में मांगलिक कार्य यदि आप करने वाले थे या कर रहे हैं तो वो प्रेशर में आ रहे हैं, दबाव में आ रहा है। आप घर में मांगलिक कार्य बन कर रहे हैं तो कोई फूफा टाइप लोग, जो पुराने लोग हैं जो बैठ के सिर्फ पंचायत करते हैं, यहाँ पे पंचायत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो घर में कुछ न कुछ तनाव का वातावरण क्रिएट हो रहा है, तो उसको संभाल के रखें। आपके अंदर वो शक्ति है कि आप उसको संभाल सकते हैं। आपके कुंडली में शुक्र महाराज 6 तारीख के बाद स्वग्रही हो रहे हैं, यह श्रेष्ठ परिणाम देने वाला है।
तो जिन चीज़ों की कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही थी पिछले एक महीने से, आपका कंसंट्रेशन खराब था, तो एकाग्रता अच्छी हो जाएगी। पंचमेश और कर्मेश का स्वग्रही होना श्रेष्ठ परिणाम देगा, तो नौकरी के क्षेत्र में आपको लाभ होगा, बड़े लोगों से संबंध बनेंगे, प्रेम की प्राप्ति होगी, संतान का ग्रोथ होगा और एजुकेशन में कंसंट्रेट होकर आप आगे बढ़ रहे हैं, बुद्धि इस समय आपकी प्रबल रहेगी। तो शुक्र महाराज की गोचर स्थिति श्रेष्ठ परिणाम देने वाली है। एक और चीज़ ध्यातव्य रहे, राहु महाराज आपके सुख के घर में चल रहे हैं अश्विनी नक्षत्र में, फटाफट काम कराना चाहते हैं, इसमें आवास के लिए आप काम कर रहे हैं, आप वाहन खरीदने के चक्कर में हैं, तो वाहन भी आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत गति मत पकड़िएगा, थोड़ा स्लोली स्लोली चलिएगा, क्योंकि राहु गतिमान नक्षत्र में चल रहा है और यह गति जो है ना आप के लिए थोड़ी सी परेशानी का कारक बन सकती है, क्योंकि यहीं पे गुरु भी आ रहे हैं और गुरु राहु का जो युति है ना, चंडाल योग चतुर्थ भाव में, सुख के घर में चंडाल योग अच्छा नहीं होता, खराब होता। हालांकि चंडाल योग पे आपको मैं स्वतंत्र वीडियो बना के दूंगा, क्या क्या कहाँ कैसे रखें सावधानी। यहीं पर 31 मार्च को बुध महाराज का गोचर हो रहा है, बुध महाराज का गोचर 31 मार्च को, बुध आपकी कुंडली में तृतीयेश हैं, सॉरी बुध आपकी कुंडली में खष्टेश हैं और नौमेश हैं, मंगल बुध के घर में, बुध मंगल के घर में, तो भाग्य का स्वामी अपने से 8वें स्थिति ठीक नहीं है, 6वें का स्वामी भी अपने चतुर्थ भाव में है, तो घर में तनाव आएगा, हार्ट में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, मतलब हार्ट अटैक नहीं होगा, ब्रीथिंग आपकी कमज़ोर हो रही है, तो थोड़ा उठ के सुबह सुबह उठ के प्राणायाम किया करिए, योगा किया करिए, लंबी लंबी सांसें खींचे, डॉक्टर कहे उसके पहले जग जाइए, नहीं डॉक्टर जगाएगा तो पैसा लेके जगाएगा। देखिए वक्त बदलना चाहता है बदल जाइए, क्योंकि जब वक्त बदलने पे आएगा ना तो वक्त तो आपको बदल देगा, लेकिन समय जब बदलने पे आता है ना दोस्त, बड़ी तकलीफ होती है, इसलिए समय के साथ बदल जाना श्रेष्ठ परिणाम देने वाला है। सूर्य नारायण की जो गोचरी स्थिति है अभी 14 अप्रैल तक थर्ड हाउस में है, 14 अप्रैल के पश्चात ये आपके फोर्थ हाउस में जाएंगे। अब देखिए ये तनाव की स्थिति बन रही है, 14 अप्रैल के बाद ज़्यादा तनाव बनेगा। अष्टम भाव का अधिपति चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, अष्टम का जब भी गोचर जिस भाव में होगा उस भाव को दबाएगा, प्रेशर देगा, गुप्त पीड़ाएं देगा, शरीर में हृदय में जलन देगा, आग इकट्ठा हो रही है ना, आग जा रही है, सूर्य उच्च के होके जा रहे हैं, राहु के साथ कनेक्ट होंगे, निश्चित रूप से हृदय को संभालना पड़ेगा, घर के वातावरण को संभालना पड़ेगा, नहीं लोग आग लगा देंगे आपके घर के शुभत्व में, घर के मांगलिक कार्यों में, तो आग से भी बच के रहिएगा। अगर आपके घर में कोई ऐसे बोर्ड वगैरह है जिसमें स्पार्किंग होती है तो थोड़ा सा उनको बुलाइए, जो लोग जानकार हैं उसको बोर्ड वगैरह को ठीक कराइए। गैस वगैरह जलाते हैं तो गैस खुली मत रखिए, थोड़ी सी सावधानी से काम करिए, थोड़ी सी अग्नि भड़क रही है, आग भड़कती हुई दिखाई दे रही है, तो आग को ज़्यादा भड़कने ना दिया जाए। उपाय क्या करें, हाँ उपाय के तौर पे देखिए राहु महाराज को बात कर लिए, बात केतु महाराज कर्मा भाव में चल रहे हैं, केतु महाराज बेहतर फल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। उपाय के तौर पे शनि आपके अच्छे चल रहे हैं, स्ट्रांग चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गुरु के मंत्रों का जाप या गुरु की चीज़ों का दान श्रेष्ठ परिणाम देगा। राहु को संतुलित रखिए, राहु की माया इस समय बड़ी प्रबल हो रही है, संदेह ज़्यादा व्याप्त होगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा कि मैं सब कुछ कर ले जाऊँगा, तो ये बढ़ना बुरी बात नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस होना बुरी बात है। मंगल अष्टम भाव में खष्टम भाव में जा रहे हैं और खष्टम भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में आ रहा है, एक्सचेंज योग, तो नौमेश का एक्सचेंज होना बढ़िया है लेकिन खष्टम का एक्सचेंज होना बुरा है। देखो आप हॉस्पिटल में बैठो या हॉस्पिटल आके आपके घर में बैठे, दोनों स्थिति अच्छी क्या है? आप डॉक्टर के पास जाओ या डॉक्टर आपके पास आए, इसका क्या मतलब है? आप बीमार हैं तभी डॉक्टर आ रहा है, तो यह आपके स्वास्थ्य में हृदय को थोड़ा दबाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो त्र्यंबकम वजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वाह रुक्मि वंदनात् मृत्योर् मुच्छीय मामृतात्, भगवान शिव की इस मंत्र का आराधना करिए, या आदिशक्ति की आराधना करते हैं, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। राहु के मंत्र का जाप जरूर करिए, ओम भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः। राहु की माया प्रबल हो रही है, राहु के लिए सबसे अच्छा उपाय मैं बताऊँ आपको, आपके आसपास कहीं ना कहीं अपराजिता का फूल मिलेगा, 7 पीस अपराजिता का फूल लीजिए, अपने ऊपर से सर के 7 बार उतारिए, भ्राम भ्रीम भ्रौम सह राहवे नमः कहते हुए नाली में प्रवाहित कर दीजिए। आप बड़े महानगरों में रहते हैं तो नाली भी नहीं मिलेगी, तो आप क्या करिए, एक बाकेट पानी भरिए, उस बाकेट पानी में 7 पीस इसे उतार के बाकेट में डालिए, उसको ले जाकर गार्डन में छोड़ दीजिए,
आप सात सटरडे कर लो, राहु से बिल्कुल रिलैक्स, राधे राधे हो जाएगा। चलिए, बेहतर समय है, शुभ परिणाम देने वाला है। घर में मांगलिक कार्य कर रहे हैं तो सावधानी से करें। जो फुफा टाइप लोग हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जो रायचंद्र टाइप लोग हैं, जो कुछ लोग ऐसे हैं ना, आप कुछ भी कर लो वो खुश होना ही नहीं है, उनको कमी निकालेंगे। जी पनीर तो बहुत अच्छी बनी थी लेकिन पनीर के टुकड़े छोटे थे, अब बताइए इसका क्या मतलब है। जी आयोजन तो बहुत अच्छा था, ये अगर कुछ कर लेते हो तो बहुत अच्छा होता। उनके यहाँ जाओ ना तो वो चाय भी नहीं पिलाएंगे, उनके घर में फंक्शन होता है तो वो चाहते हैं कि आप घर से खाना खा के आओ। लेकिन ऐसे रायचंद टाइप लोग इस समय आपके घर में आएंगे तो कमियाँ निकालेंगे। नमकीन तो जी ठीक है लेकिन थोड़ी कड़ी है, चाय तो ठीक है लेकिन कप छोटा है। ऐसे लोगों को वैल्यू मत दीजिए, ये लोग ज़िंदगी में सिर्फ कमी निकालने के हैं, ये नाली के मक्खी हैं, जहाँ बैठेंगे सिर्फ कमी दिखाई देगी। लेकिन ये लोग घर के माहौल को क्रिएट बुरा साबित करने की कोशिश करेंगे, तो मत बुलाइए। आप खुशी के वातावरण को क्रिएट कर रहे हैं और कोई उसमें पहुंच के नकारात्मक बातों को क्रिएट करे तो ऐसे रिश्तेदारों को, ऐसे लोगों को छोड़ देना श्रेयस्कर होगा। चलिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, राधे राधे करते रहिए।